आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत उपचुनाव की समीक्षा। कहा ग्राम पंचायतों में जल्द से जल्द गठित करें समितियां, सकुशल संपन्न कराएं उपचुनाव। प्रदेश में 25 दिन में 70% घटी कोरोना से मौतें, 7 मई को हुई रिकॉर्ड 372 की तुलना में आज सिर्फ 115 मौतें, 36 जिलों में कोई मौत नहीं, 14 जिलों में सिर्फ एक एक हुई मौत। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। खजरी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रुद्रपुर के गौरापाल में 3 बच्चियां हुई लापता, खोजबीन में लगी पुलिस। घटना की सूचना पर पहुंचे एसएसपी ने सूचना देने वालों को 25,000 के इनाम देने की घोषणा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की कमी में निगरानी समितियों का है विशेष रोल, मेडिकल किट से समय पर हुआ इलाज। 12 जून को होगा पंचायत उपचुनाव, 14 जून को होगी मतगणना, 6 जून को नामांकन और उसी दिन होगी नाम वापसी। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम कार्यकारिणी की 17वीं बैठक, साफ सफाई, पेयजल, जल जमाव, स्वास्थ्य संबंधी बिंदुओं पर हुई चर्चा। प्रत्येक वार्ड के पार्षद वरीयता के अनुसार 30-30 लाख का कार्य कराने की हुई स्वीकृति। मुख्यमंत्री के आह्वान पर महानगर के सभी 23 पीएससी को गोद लेंगे पार्षद। ट्रैफिक विभाग में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गिरा एसएसपी का गाज, 6 ट्रैफिक पुलिसकर्मी हुए लाइन हाजिर, एसपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। ग्रामीण क्षेत्रों में बनवाए गए सामुदायिक शौचालयों का संचालन अब महिलाओं के हाथ में, डीपीआरओ ने कहा। जनपद के 1,244 शौचालयों में से 300 शौचालयों की जिम्मेदारी दी गई महिलाओं को, जिससे बन सके आत्मनिर्भर। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे एसपी सिटी, पीआरबी के साथ सभी सीओ एसएचओ को कर्फ्यू का पालन कराने के लिए किया निर्देशित। कहा अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना, बढ़ते सावधानी, रहें सुरक्षित। महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में शामिल गांवों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर नगर आयुक्त को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग। गोरखपुर में बुधवार को मिले 47 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 4 की मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,844। अब तक 723 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 1,097 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोविड से जिंदगी गंवाने वालों को शासन देगी 30 लाख की आर्थिक मदद, डीपीआरओ ने दी जानकारी। पॉलिथीन के खिलाफ जारी है नगर निगम का अभियान, प्रवर्तन दल की टीम ने पकड़ा 25 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन। प्रभारी ने जनता से की अपील, कहा ना करे प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल, करे कपड़े के थैले का प्रयोग। महानगर युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बासफोर समाज के बच्चों में बिस्किट, ब्रेड तथा पानी के पैकेट का किया वितरण, की अपील, कहा मास्क पहनने में ना करे लापरवाही। बुधवार को जनपद में जिला अस्पताल सहित 84 केंद्रों पर 10,674 लोगों का किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा कोरोना महामारी से बचने के लिए अवश्य कराएं टीकाकरण, रहें सुरक्षित। और शासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का बुधवार को भी देखने को मिला आंशिक असर, बैरिकेडिंग कराकर पुलिस करा रही है कर्फ्यू का पालन। एसपी ट्रैफिक ने कहा अनावश्यक निकलने वाले लोगों के वाहनों का किया जा रहा है ई चालान, वसूला जा रहा है जुर्माना।